सो हेलो दोस्तों यार, कैसे आप सभी लोग। आज है संडे और आज के बाद आपको काफी यहाँ पर जो हर संडे आपको ईवी न्यूज ऐसे देखने को मिलने वाली, जो कि यार काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर ईवी न्यूज होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईवी न्यूज के बारे में गाइज, वो आती है एथर की तरफ से। जी हाँ गाइज, एथर की तरफ से एक ईवी न्यूज देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर जो एथर का फोर्थ जनरेशन, जी हाँ गाइज, फोर्थ जनरेशन का लीड स्कूटर जल्दी देखने को मिलने वाला है मार्केट में। क्योंकि यार आप सभी को पता है इंडिया में इतने सारे लीड स्कूटर आ रहे हैं, इसकी वजह से जो है काफी यहाँ पर जो एथर फोकस कर रहा है, इसकी रेंज ज्यादा होने वाली है। जी हाँ गाइज, आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो साइड में यहाँ पर जो रुसलैन वेबसाइट की तरफ से एक पिक है, इसमें यहाँ पर जो है 146 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर जो है एथर का फोर्थ जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर की होने वाली है। क्योंकि यार मार्केट में काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा रेंज देखने को मिल रही है, एंड आप सभी को पता है जो ऑलरेडी यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन एथर है उसमें रेंज आपको यहाँ पर जो है 116 किलोमीटर की मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट ईवी न्यूज के बारे में गाइस, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है रिवॉल्ट की तरफ से NX, जो कि कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ पर जो काफी यहाँ पर जो फास्ट यहाँ पर इन्होंने वर्क कर दिया है रिवॉल्ट कंपनी ने, क्योंकि यार इंडियन मार्केट में काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे, तो यहाँ पर जो है रिवॉल्ट पीछे कैसे रह सकती है, क्योंकि रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है 280 किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाता है। मतलब यार सिंपल एनर्जी का सिंपल 1 लीटर स्कूटर, उससे भी बेटर आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगी 280 किलोमीटर की रेंज, 100 किलोमीटर पर तक टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगा। और इस लीटर स्कूटर में यूनिक फीचर्स काफी होने वाली है। एक्सपेक्टिंग प्राइस की बात करें तो 1,25,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो सकती है, अराउंड 1.5 लाख के अंदर इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। बात करते हैं लॉन्चिंग के बारे में, तो गाइस लॉन्च यहाँ पर जो आपको 2023 के स्टार्टिंग में या मिड में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार रिवॉर्ड ने अपना जो है काम फास्ट कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट ईवी न्यूज के बारे में गाइस, वो आती है ओला की तरफ से। गाइस ओला के यहाँ पर जो काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बीटा वर्जन जो है ओला का मूव OS 3.0 जो आया है उसमें काफी कस्टमर को जो है काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हो बीटा वर्जन मतलब आपको यहाँ पर जो है बीटा मतलब जो टेस्टिंग वर्जन होता है, फाइनल वर्जन आपको जल्दी देखने को मिलेगा, बट ये कब मिलेगा अब तक पता नहीं, बट सभी को नहीं आ रही है, काफी कस्टमर को आ रही है, काफी को नहीं आ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट ईवी न्यूज के बारे में गाइस, वो आती है सिंपल एनर्जी की तरफ से। अपडेट यहाँ पर देखने को मिल चुका है, मतलब गेम वाला अपडेट नहीं गाइस, काफी बंदे बोल रहे थे कि यार सिंपल एनर्जी ने एक पोस्ट किया था कि गेम वाला वीडियो। मेनली यहाँ पर जो अपडेट है गाइस वो है कि नवंबर स्टार्टिंग या मिड तक आपको यहाँ पर जो है सिंपल एनर्जी की तरफ से जो इनकी बैटरी है उनका पूरा यहाँ पर जो है बैटरी टेस्टिंग वगैरह जो चेकअप वगैरह वो डन होने वाला है। तो ऑफिशियल आपको यहाँ पर जो अपडेट जल्दी देखने को मिलने वाला है सिंपल एनर्जी की तरफ से। काफी बंदे बोल रहे थे कि यार सिंपल एनर्जी भी अपने कस्टमर के साथ गेम खेल रही है, तो यार देखते हैं यार गेम सच में खेलती है या जनवरी तक जो है अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवरी स्टार्ट करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ईवी न्यूज के बारे में, लास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है गोगुरु की तरफ से। जी हाँ गाइस, गोगुरु की तरफ से जो है न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, गोगुरु की तरफ से जो 3 नवंबर को एक इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में जो यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में जो स्वैप टेक्नोलॉजी है बैटरी स्वैप करते हैं वो टेक्नोलॉजी ऐड होने वाली। काफी बंदे बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, बट मैंने यहाँ पर जो पूरी तरह से रिसर्च करके देखा कि स्टार्टिंग में इनका यहाँ पर जो बैटरी टेक्नोलॉजी आएगा जो कि स्वैप टेक्नोलॉजी आएगा, इंडिया में काफी ब्रांड के साथ यहाँ पर जो पार्टनरशिप करेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले, बट यहाँ पर काफी टाइम लग सकता है, अराउंड 6 मंथ आप बोल सकते हो, 6 मंथ के ऊपर भी जा सकता है, बट देखते इवेंट में क्या क्या होता है। दोस्तों ये थी कुछ आज की ईवी न्यूज, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए आज की ईवी न्यूज आपको कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता तो हम हर संडे यहाँ पर जो आप सभी के लिए ईवी न्यूज लेकर आएंगे, उसमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो कि वीकली न्यूज होने वाली है।